नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। जेएनसी मिलने से में प्रयुक्त होने वाले की सामग्री मिलने से छात्रों ने किया हंगामा। प्राचार्य ने कहा कि कॉलेज में सुरक्षा को लेकर के डीसी और एसपी को पत्र लिखा जा चुका है, बाहरी तत्वों पर भी शिकंजा कसा जाएगा। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी सदैव अपने पास आई कार्ड रखें। पल पल शीर्षक से संजीव शर्मा की विशेष रिपोर्ट। राजकीय नेशनल कॉलेज के बाथरूम, सीढ़ियों और कई जगह पर नशे में प्रयुक्त होने वाला सामान मिलने से छात्रों ने जमकर हंगामा किया तथा प्राचार्य से इस बारे में कठोर कार्रवाई करने की भी मांग की। प्राचार्य ने कहा कि एसपी और डीएसपी को इस बारे में पहले ही पत्र लिखा जा चुका है कि सुरक्षा की दृष्टि से कॉलेज का माहौल खराब होता जा रहा है, पर इस पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि फिर से रिमाइंडर भेजा जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी विद्यार्थी अपना पहचान पत्र अपने पास रखें, क्योंकि सोमवार से भारी तत्वों की धरपकड़ शुरू हो जाएगी। पिछले काफ़ी समय से राजकीय नेशनल कॉलेज में नशेड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं बुधवार को छात्र पंकज कुमार, बलराम सिंह, अमन कुमार, सोनू और कमरपाल आदि ने कॉलेज में जगह जगह पर तलाशी की, जिसे पता चला कि सीढ़ियों के नीचे काफ़ी सारे कैप्सूल्स, रैपर्स, सीरीज, सिरिंज और चिट्टा में प्रयोग होने वाली पन्नी, कोरक्स की शीशियाँ तथा कप सिरप की अनेक खाली पड़ी शीशी भी मिली। इसके अलावा बाथरूम में ये सामग्री बहुत अधिक मात्रा में मिली। इससे साफ हो गया कि कॉलेज में कई छात्र नशे का प्रयोग कर रहे हैं। इन्हीं नशेड़ियों के कारण कॉलेज का माहौल खराब हो रहा है और आए दिन झगड़े होते रहते हैं। भारी तत्व भी सरेआम घूमते हैं, कॉलेज में छात्राएं भी पढ़ती हैं, ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि से ये सब ठीक नहीं है। प्राचार्य ने इस मामले में जल्द ही समाधान करने का आश्वासन दिया। आप देख रहे हैं पल पल की ये विशेष रिपोर्ट।